भगा भगा के मारा इन्होंने इंडिया को, क्या सोच के, मैं कहता हूं क्या खाके आपने आज टीम इंडिया ने वो कीर्तिमान स्थापित करा अपने घर पे 46 ऑल आउट होके। तो 3 घंटे में ऑल आउट हुई टीम इंडिया, टेस्ट का सबसे छोटा स्कोर बनाया, घर में बेइज्जत करवाया। जी हाँ, पहली बार टीम इंडिया का ऐसा हाल कीवियों ने किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में बवंडर मचा दिया। टीम इंडिया 46 पर ऑल आउट, नंदी ये क्या हो गया, मतलब कैसे हो गया यार? टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्कोर है। 2020 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रनों पर ढेर हुई थी। बांग्लादेश के सामने शेर थे, यहां पे आके बतख बन गए सारे के सारे। आज तक इंडिया कभी भी 46 रनों पर अपने घर पर ऑल आउट नहीं हुई थी। कम से कम न्यूजीलैंड की जो टीम श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 0-2 से हार गई थी, उसी टीम ने टीम इंडिया को बेंगलुरु में नाको चने चबवा दिए। नादिन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया, आगे चल के मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नादिन, इंडिया टीम ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज तो हरा दी थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने आज इंडिया टीम को 46 पर ऑल आउट कर दिया, जिस पर इंडिया मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान पर टेस्ट मैच पर तनकीद करते थे, लेकिन आज उनकी अपनी टीम 46 रन पर अपने होम ग्राउंड में ऑल आउट हो गया। आइए देखते हैं मजीद इंडिया मीडिया क्या कहता है। इंडिया ऑल आउट फॉर 46 रिकॉर्ड। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तानियों कि आरसीबी का जो रिकॉर्ड अपरंपार जो टूट ही नहीं रहा था कभी, 49 पे टीम ढेर, आज टीम इंडिया ने वो कीर्तिमान स्थापित करा अपने घर पे 46 ऑल आउट होके। एक नए दौर का निर्माण कर रहे हैं ये लोग। 5 लोग डक पे आउट हो गए, इनसे बेटर तो सिराज खेल गया भाई, चौका तो मार गया, नॉट आउट रह गया। विराट कोहली डक, सरफराज डक, रविंद्र जडेजा डक, केएल राहुल डक, अश्विन डक, 5 लोग आपकी आधी टीम डक पे आउट हुई है। बांग्लादेश के सामने शेर थे, यहां पे आके बतख बन गए सारे के सारे। एंड 46 का मतलब यह है कि अब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आएगी। अब मुझे यह देखना न्यूजीलैंड कैसे बैटिंग करेगी। हेनरी बाय द वे 5 ओवर 15 रन दिए, मतलब सॉरी 5-13 ओवर में 15 रन देके 5 विकेट है हेनरी की, 5 विकेट। और ऊर्ख जो आया था उसने मूर्ख बना के आपके सारे के सारे बड़े बड़े पूर्वजों को आउट कराए। विराट कोहली को आउट कर गया, केएल राहुल को आउट कर गया, भगा भगा के मारा इन्होंने इंडिया को। क्या सोचड लोएस्ट टोटल ऑफ ऑल टाइम, थर्ड लोएस्ट टोटल। 2020 में बनाए 36 ऑल आउट और 2024 में 46 ऑल आउट। वो सारे बाहर बना रहे थे, लख दी लानत, जन्म की लानत। हाँ, और सारे बाहर थे। आज आप इंडिया में 46 ऑल आउट हो गए। विराट कोहली तो बहुत बुरा कप्तान था, उसके अंडर आप 36 ऑल आउट हुए। ये तो घर पे खेल रहे थे, चिन्ना स्वामी के गढ़ में खेल रहे थे, रोहित शर्मा द ग्रेटेस्ट कैप्टन के अंडर खेल रहे थे, फिर भी 46 ऑल आउट हो गए। 46 ऑल आउट, तालियां। तो 3 घंटे में ऑल आउट हुई टीम इंडिया, टेस्ट का सबसे छोटा स्कोर बनाया, घर में बेइज्जत करवाया। जी हां, बेंगलुरु टेस्ट मैच में टीम इंडिया की पहली पारी खत्म हो चुकी है और टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में घर में सबसे छोटा स्कोर बनाया है। मात्र 46 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, सिर्फ 3 घंटे, जिसमें खेल बारिश के कारण भी रुका, लंच भी हुआ, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज फ्लॉप हो गए। टीम इंडिया के कुछ बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए। टीम इंडिया 46 पर ऑल आउट, इंडिया 50 रन नहीं बना पाई। टीम इंडिया ऑल आउट हो गई टेस्ट क्रिकेट के लोवेस्ट स्कोर में। इंडिया में 46 रन जो ये स्कोर है, ये इंडिया का सबसे कम स्कोर है घर में। मतलब इज्जत बस खाली इस बात से बची है कि भैया 36 रन पे ऑल आउट नहीं हुए थे। पड़ोस वाले पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि सर हमारे मैच के बाद तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, हमारी टीम आउट हो गई, आज आपकी वाली तो 46 पे चली गई। हमने कहा हाँ भाई, आज मजाक हमारा भी बन रहा है और ये बर्दाश्त काबिल नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में खेल रहे थे और इंडियन फैंस यकीन नहीं कर पा रहे कि क्या देखा हमने। और सवाल रोहित के आउट होते ही डूबी टीम इंडिया की लुटिया, कीवियों ने खड़ी कर दी बल्लेबाजों की खटिया, लगाया माथे पर ऐसा कलंक जैसा भी देखकर रह गए दंग। एक तो नहीं 5-5 खिलाड़ी नहीं खोल पाए मैदान में खाता। गुस्से में रोहित भी बोले कि खेलना नहीं आता। गंभीर के सामने हुआ ऐसा हाल, टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी हुए बदनाम। WTC के रास्ते में लगाया कीवियों ने रोहित ब्रिगेड के आगे रोड़ा, मारा गेंदबाजी से भारत के शेरों को हथोड़ा, छिलकर रख दिए दिग्गज बल्लेबाजों के घुटने।
पहली बार टीम इंडिया का ऐसा हाल कीवियो ने किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में बवंडर मचा दिया। रोहित के आउट होते ही विकेटों की ऐसी झड़ी कीवियो ने लगाई जिसे देखकर गंभीर का भी गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। धोनी से लेकर सचिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा उससे भी बुरा हाल भारत के शेरों का होम ग्राउंड पर हुआ। इतना ही नहीं, रोहित ब्रिगेड के माथे ऐसा कलंक लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए, जिसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको न्यूजीलैंड की जो टीम श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ 0-2 से हार गई थी, उसी टीम ने टीम इंडिया को बेंगलुरु में नाको चने चबवा दिए। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी एम चिन्नास्वामी की पिच पर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। टीम इंडिया ने पहली पारी में सिर्फ 46 ही रन बनाए। हालत ये रही कि टीम इंडिया के दो ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाए थे, वहीं आधी टीम इंडिया खाता भी नहीं खोल पाई। विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन का तो खाता भी नहीं खुला। ऋषभ पंत 20 रन बनाकर टीम इंडिया के लीडिंग स्कोरर रहे। 46 रन टीम इंडिया का अपने घरेलू सरजमी पर सबसे कम स्कोर है। इससे पहले भारतीय टीम 1979 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 75 रनों पर ढेर हो गई थी। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का यह तीसरा सबसे छोटा स्कोर है। 2020 में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रनों पर ढेर हुई थी और अब यह टीम अपने ही घर में 50 रन तक नहीं पहुंच पाई है। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुकम्मल वीडियो देखी, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और क्रिकेट मैचेस पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर ताकि नई आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।